हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो बच्चों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी एग्जाम्स का टेंशन हो गया, कोरोना भी भग चुका है। और आप लोगों को पता है भाई, हमारे एग्जाम्स में जो आते हैं, क्योंकि अब कोरोना तो गया और लोग कर रहे हैं कि भाई एग्जाम्स में पास करा दो मोदी चाचा, है ना। तो भाई अब मोदी चाचा गए, अब नहीं कराएंगे मोदी चाचा पास, अब आप लोग को अपनी मेहनत से पास होना पड़ेगा। तो भाई आज के जो हमारा लेक्चर सीरीज है भाई, कोरोना गया रे, और आज आपके लेक्चर में आने वाला है, हम आने वाले हैं किसमें, सीधे ही छलांग लगाते हैं यूनिट टू की तरफ, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में कहां कहां से जो आने वाले हैं क्वेश्चन, उस पर हम बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड के ऊपर, जो कि कक्षा 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहां कहां से दो अंक के आते हैं। आप मेरा थोड़ा सा बात सुनिए और ध्यान से सुनिए, कैसे जब हम ब्लूप्रिंट की बात किए थे तो हम क्या बोले थे कि हमने जब फर्स्ट यूनिट की बात की, वहां पर 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 और 5 मार्क्स के बारे में बात की, ठीक है, 4 तो आता ही नहीं है। उसी तरह अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं बेटा, तो सेकेंड यूनिट में क्या होता है, आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो भाई दिमाग से हटा दो, 1 नंबर के कोई प्रश्न बनने वाले हैं। तो सीधा आएंगे हम किस पर, 2, 3 और 5 के ऊपर हम बात करेंगे। तो ज्यादा आपको फोकस करना है कहां, मैं फिर से रिपीट करूंगी, 5 को आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो जीव विज्ञान है यूनिट सेकेंड में 2 अंक वाले प्रश्न के ऊपर अगर हम बात करें, तो इसमें से 2 अंक वाले प्रश्न में सेकेंड यूनिट के होते हैं 3 चैप्टर, ठीक है। तो 3 चैप्टर में कहां कहां से 2 अंक के प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे इस लेक्चर में, ठीक। तो कौन कौन से चैप्टर भाई, वंशगति की, वंशगति यानी कि 5वां अध्याय है, वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में, वंशगति के आणविक आधार जो है आपका कौन से, ये 5वां चैप्टर है, ये 6वां चैप्टर है, और ये आपका क्या है, 7वां। आप लोगों को पता होगा कि ये विकास यानी कि 7वां अध्याय जो था पिछले 2-3 सालों से हट चुका था, सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन अब ये वापस आ चुका है, तो बेटा इसको भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। हालांकि 2-3 साल से आया नहीं है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं इस अध्याय में, ठीक है। तो चलिए भाई आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर है, पहला प्रश्न उठाते हैं, 2 अंक की हम बात करते हैं, बोलते ना ये आपके लिए 10,000 के लिए आंसर दीजिए, होता है ना वो करोड़पति में कौन बनेगा करोड़पति, तो ये वही गेम चल रहा है हमारा भी, कौन बनेगा करोड़पति वाला, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे क्या, कौन बनेगा क्या, अंकों का हकदार कौन होगा। तो अंकों का हकदार जो 2 अंक के प्रश्न आते हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है, जीन विनिमय की 3 विशेषता बताना है। आप लोग कमेंट करके बताओ, आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा हुआ है, जीन विनिमय क्या होता है वो पढ़ा हुआ है, आप मुझे कमेंट करेंगे इसकी क्या विशेषता है। तो भाई जो पूछा है उतना आप लिखेंगे, मैं देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हूं, क्योंकि यहां पर 2 क्वेश्चन आपको बताने वाली हूं इसी में। कैसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है जीन विनिमय क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन बना जीन विनिमय की क्या विशेषता है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में इसकी विशेषता पूछा गया है, तो चांसेस है कि आ सकता है ये 2 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसका क्या आंसर, आपको लिखना क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रोमोसोम याद करिए, समजात क्रोमोसोम, असमजात क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेट, आप सब पढ़े हुए हैं, सिर्फ आप आंसर देखोगे क्या है, कि अगर आपको डिटेल इसके बारे में पढ़ना, मैं फिर रिपीट करूंगी, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे एप्लीकेशन में, मतलब हमारा जो अभिप्सा एप्लीकेशन है www.abhipsa.com, वहां पर आप सर्च करें, वहां पर हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल से स्टोर करेंगे, और उसमें आपको सारी चीजें पूरी बारीकी से समझने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, ये आपका क्या है, जीन विनिमय। तो जीन विनिमय क्या है भाई साहब, क्या प्रक्रिया होता है, सीधे सीधे बात है, जीन विनिमय में क्या होता है, क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि अगर हम बात करें ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम से, ठीक है, 2 समजात क्रोमोसोम, ये हम एक क्रोमोसोम यहां पर बना दिए, और एक क्रोमोसोम हम कहां बना दिए, यहां पर हम
बना दिए, ठीक है। तो दो समजात क्रोमोसोम्स के बीच क्या होता है, क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं। भाई दो हमने क्रोमोसोम ले लिए समजात क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम्स के बीच, तो यहां पर क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं अपने दूसरे समजात क्रोमोसोम से क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, जीन विनिमय। अब बताओ मुझे, देखिए यहां पर एक डायग्राम से आप यहां समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या लिख, यहां पर हम बना देते हैं यहां पर, ठीक, ये हमने रखा और ये हमने बना दिया। तो एक हम बना देते हैं एक क्रोमोसोम, ये हमारा क्या है, एक क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है। दूसरा जो हो गया एक क्रोमोसोम, हम एक और बना देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्या, ये हमने क्या बना दिया। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर क्या गुणसूत्र का, मान लो जाए ये ए है, ठीक है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। इसको स्मॉल में लिखती हूँ तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या है आपका, ए है, और ये क्या है आपका, बी है, ठीक है। ये क्या है, ए है, और ये क्या है आपका, बी है, ठीक। तो ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, देखो क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। इसको हम मान लेंगे, इधर वाले को हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए से हम इसको दर्शा देते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, स्मॉल बी लिख दी हूं मैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान देंगे तो दो क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, दो समजात, लेकिन सिस्टर क्रोमेट क्या है, अलग अलग। भाई इसका सिस्टर क्या है, इसको हम सिस्टर क्रोमेट बोलते हैं ना, एक क्रोमोसोम में चार सिस्टर क्रोमेट होते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, जोड़ी में होता है। तो ये क्रोमेटिड जो होते हैं, दो समजात गुणसूत्र के, दो समजात गुणसूत्र के, लेकिन सिस्टर क्रोमेट क्या है, अलग अलग, दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्रोमोसोम एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब अदला बदली हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इतना चीज आपको ध्यान देना है। अब भाई क्रॉसिंग ओवर तो ठीक है, लेकिन अब हम बात करें इसकी विशेषता क्या है। तो ठीक है भाई, मैडम विशेषता भी बता देगी आपको कितना लिखना है। तो आप इसे लिखोगे क्या, इसकी क्या विशेषता, भाई क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा। तो याद रखेंगे, एक गुणसूत्र के दो अर्ध गुणसूत्रों में जींस विनिमय नहीं होता, ये इसकी विशेषता है। अब देखिए क्या शब्द लिखा, एक गुणसूत्र के, एक गुणसूत्र ये हो गया, इसके दो अर्ध गुणसूत्र ये हो गया, इनके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरे इसी के समजात क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो जाता है, ये इसकी विशेषता। भाई अपने में ये करेगा क्या अदला बदली, नहीं करेगा। एक क्रोमोसोम अपने में ही करेगा क्या जीन्स का एक्सचेंज, नहीं करेगा। तो ये इसकी विशेषता है कि एक गुणसूत्र के दो अर्ध गुणसूत्रों में विनिमय, जीन विनिमय नहीं होता है, करेक्ट है। यहां तक आगे पढ़ते क्या लिखा है, कियाज्मा की संख्या युग्म गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। भाई जितनी आपकी, जितने आपके क्रोमोसोम्स का संख्या होगा, ठीक है, मतलब ये देखो यहां पर जब जुड़ेगा तो यहां पर क्या बना लेता है, यहां पर ये कियाज्मेटा बना लेता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जब जुड़ेगा दो सिस्टर क्रोमेट जब आपस में क्रोमोसोम्स का आदान प्रदान करते हैं तो यहां पर एक कियाज्मा यानी कि कियाज्मेटा का निर्माण कर लेते हैं, कियाज्मेटा का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब एक चीज बताओ भाई, जितने क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसी पर तो डिपेंड होगा, ज्यादा रहेगा तो फिर ज्यादा कियाज्मा बनेगा, कम रहेगा तो कम बनेगा। तो ये इसकी विशेषता है कि कियाज्मेटा की संख्या जो है गुणसूत्र की संख्या पर ही निर्भर करेगा, जितनी ज्यादा क्रोमोसोम उतना ज्यादा कियाज्मेटा बनता है, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, आप अगर पूरा अगर समझना चाहते हैं तो आप कहां जाएंगे, हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, आपको पूरा डिटेल वहां पर मिल जाएगा, एक एक चीज पूरा डायग्राम से समझाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट आते हैं क्या, चार अर्ध, नेक्स्ट आपका विशेषता क्या है, चार अर्ध गुण सूत्रों में से केवल दो में ही जीन्स विनिमय हो रहा है। यहां देखिए भाई, एक दो तीन चार है इसमें भी, एक दो तीन चार कितना है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर आपका क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो गई, इसमें भी चार है और उसमें भी
चार है, लेकिन आप देखो क्या चारों में एक्सचेंज हो रहा है क्या, क्रोमोसोम्स के चारों में एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आप देखोगे सिर्फ केवल दो में ही जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है, दो में ही जीन्स का विनिमय बेटा यहाँ पर सिर्फ दो में ही होता है। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। आप बुक को पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी वहां पर दिखाई देगा ये चीजें जो है, आपको बहुत सारा नहीं लिखना, जो पूछा वो लिखो ठीक। तो यहाँ पर पूछा है क्या है, जीन विनिमय की तीन विशेषता बताने बोला है, तो हम यहाँ पर जीन विनिमय की तीन विशेषता बता दिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कि जीन विनिमय क्या होता है, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि क्या होता है ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए क्या है, देखो अब आते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता किसको बोलते हैं ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा अप्रभाविता लिखा हुआ है भाई। प्रभाविता और अप्रभाविता ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना। आप पढ़े होंगे जब बुक में सिक्स चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर संकरण है ना, एक संकर द्विसंकर ये छोटे छोटे जो चीज दिया है परिभाषा के रूप में, आप उसको जरूर पढ़े। वो छोटा छोटा चीज आपके बहुत काम का चीज है, बहुत नॉलेज देगा वो चीज ठीक है। तो याद रखेंगे प्रभाविता और अप्रभाविता किसे कहते हैं भाई, तो आंसर है प्रभाविता क्या है भाई, जो अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, जो अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है उसी को हम प्रभावी जीन्स कहते हैं भाई। ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने लक्षण को पहले जनरेशन में ही क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी। अगर आप बुक पढ़े हुए हो तो आपको ये मेंडल का जो नियम है, प्रभाविता का नियम, आपने अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत ही इजी है वो ठीक है। तो जब ये आप मेंडल का नियम पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है क्या, प्रभावी फिर अप्रभावी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रभाविता का नियम आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा प्रभाविता का नियम क्या कहता है, कि जब प्रभावी और अप्रभावी जीन्स जब जो दोनों एक साथ उपस्थित हो तो हमेशा प्रभावी लक्षण यानी कि प्रभावी जीन्स ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है F1 जनरेशन। आप देखे हो ना F1 जनरेशन में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको याद होगा ये चीज ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट करेंगे, मैडम इसको पढ़ाइए तब मैं इसको बताऊंगी, या तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाइए तो वहां आपको दिखाई दे देगा मैं कैसे बताई हूं उसको ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहां पर, तो प्रभाविता क्या होता है ठीक। तो किसी जीन्स, जब किसी जीन्स में किसी लक्षण के दोनों भिन्न एलील उपस्थित होते हैं, एलील मतलब समझ जाओ ना, जैसे कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए ठीक है, इसी का स्मॉल ए स्मॉल ए ठीक। तो कैपिटल ए हमेशा प्रभावी होता है ठीक है, और स्मॉल ए क्या है, अप्रभावी। अभी मैं ये ए की बात क्यों की हूं, मैं किसी और चीज का भी ले सकती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है मैं सिर्फ ए का लूं ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये लंबा पौधा है और ये क्या है, बौना पौधा। दो पौधा ले ली ठीक है, लंबा टेल है ना, टेल की बात करें तो लंबा के लिए कैपिटल टेल लेंगे, कैपिटल में ही लेते हैं, प्रभावी को याद रखेंगे। स्मॉल जो रहेगा इसका बौना, उसको हम अप्रभावी, ये क्या है, प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी होता है ठीक है। ये प्रभावी जीन्स है लंबे पौधे का, ये अप्रभावी जीन्स है बौने पौधे का। अब दोनों के बीच जब हम संकरण करते हैं तो सारे के सारे प्लांट जो होते हैं F1 संतति में कैसे होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। ये पूरा डिटेल करके बताऊंगी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, वहां पर पूरा बताने वाली हूँ मैं ठीक है। मैं अभी जो बता रही हूँ उसको ध्यान देना, ये होता क्या चीज है, सिर्फ मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता ही देती हूँ भाई, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैडम इसको करवा ही दो है ना। देखो जैसे मान लो जाए हम मेंडल का नियम, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, 7 लक्षणों को लेकर के उन्होंने क्रॉस करवाया था, जीन्स की अदला बदली हुई थी, आपने देखा हुआ, आपने पढ़ा है 7 कैरेक्टर, 10th में भी ये चीजें हैं। तो यहां पर चलो हम एक कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, किसकी, लंबाई की हम बात करेंगे, मतलब पौधे की लंबाई, मटर के पौधे, मटर के पौधे को लिया था ना उन्होंने, तो मटर के पौधे की लंबाई को लेकर हम चलते हैं। तो लंबाई के लिए भाई एक पौधा होता है क्या, लंबा, इसको उन्होंने कहा क्या, कैरेक्टर क्या है इसका, प्रभावी, इसने इन्होंने कह दिया, इधर ले लिया क्या, अप्रभावी, जिसमें इन्होंने क्या कहा, लंबा की जगह यहाँ पर अप्रभावी को बौना बता दिया ठीक है। लंबे पौधे होते हैं, बौने पौधे होते हैं, तो भाई लंबे पौधे के लिए इन्होंने जीन्स लिया क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी, इन्होंने जीन्स लिया इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है भाई। अब ये क्या है, पेरेंट है, हो सक, ये नर है और ये क्या है, मादा है, पेरेंट है
ठीक है। अब नर है और मादा है और पेरेंट ही है, तो अब बनाएंगे क्या, सबसे पहले क्या बनता है इसमें, युग्मक। तो युग्मक बना दो भाई, अर्धसूत्री विभाजन कर दो, ये कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां पर भी युग्मक बना दो, तो ये क्या बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। क्रॉस करा दो, मतलब ये क्या बना, सबसे पहले इसमें लिख देना यहां पर युग्मक। अब इसमें क्रॉस कराओगे यहां से तो क्या बना, सबसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहां से करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सारे के सारे पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक लंबा है और एक बौना है। तो भाई प्रभाविता का नियम क्या कहते हैं, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों जिस एक साथ उपस्थित हो, तो जब F1 जनरेशन होता है, ठीक है, F1 जनरेशन होता है, तो उसमें प्रभावी लक्षण ही अपने लक्षण को, यानी कि प्रभावी जीन्स ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों एलील जब साथ में उपस्थित हैं, ये एक एलील ये दूसरा एलील, जब दोनों एलील एक साथ उपस्थित हो तो प्रभाविता का नियम भी यही कहता है कि प्रभावी जीन्स ही अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे, दिखाई तो देंगे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में आपके ये बौने के यानी कि अप्रभावी लक्षण के गुण जो है वहां पर दिखाई देते हैं, लेकिन सेकेंड जनरेशन में, लेकिन पहले जनरेशन में हमेशा प्रभावी लक्षण ही अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें हम, तो यही था आपका टॉपिक, क्या लिखा है, जब किसी जीन्स में किसी लक्षण के दो भिन्न एलील उपस्थित है, हमने कहा ना दो भिन्न एलील ये उपस्थित हो, तो उनमें से कोई एक ही अपना असर दिखाता है, ठीक है, कोई एक यानी कि कैपिटल, तो उसी को हम जो असर दिखा रहा है पहले जनरेशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रभावित प्रभावी यानी कि प्रभाविता कहते हैं, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी ही अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। तो पहले जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे हो जाएंगे, लंबे पौधे हो जाते हैं, ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में लंबे भी, संकर लंबे भी और बौने पौधे भी उपस्थित होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज करते जाइए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा है क्या, अप्रभाविता, तो इस एलील को हम प्रभावी एलील कहते हैं। देखो अप्रभाविता में क्या होता है, जिस एलील का असर अभिव्यक्त नहीं होता, जो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, भाई साहब बौना पौधा अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, उसी को हम क्या बोल दिए, उसी को हम कह देते हैं क्या, अप्रभाविता कहते हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आ रहा है, बहुत इजी है, जो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है वो प्रभावी, और जो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता वो अप्रभावी, बस खत्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को चुनने का क्या लाभ हुआ, या क्या कारण था भाई कि उसको क्यों चुना गया, ठीक है, क्या कारण थे, 2022 में आया सेट बी में, और ये एनसीईआरटी में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, दो तीन इनफ है आपको याद रखना है। तो भाई क्या है, देखो सबसे पहला आंसर इसका देखना हो, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने का क्या कारण था, तो पहला कारण ध्यान रखेंगे, ये एक वर्षीय होता है, मटर का पौधे कैसा होता है, एक वर्ष होता है, एक ही वर्ष का होता है, इसका जीवन चक्र भी कैसा होगा भाई, एक ही साल का है, तो इसका जीवन चक्र भी कैसा है, छोटा होता है, ठीक है, अतः पौधों का अध्ययन कई पीढ़ियों तक आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये एक वर्षीय पौधा है, इसलिए इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, ये इसके कारण है। नेक्स्ट क्या है, मटर के पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी अर्थात मेल यानी कि नर और मादा, ठीक है, दोनों ही उपस्थित होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प पर आपके नर और मादा दोनों ही लिंग उपस्थित होते हैं, तो ये क्या है, द्विलिंगी हुआ, तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट क्या था, संकरण हेतु पर परागण आसानी से किया जा सकता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था पर परागण क्या होता है, जब एक ही जाति के दूसरे पुष्प में, जैसे एक ही जाति का दो प्लांट है, ठीक है, एक इधर और एक इधर हम करें, तो दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागण की प्रक्रिया होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें जो होता है पर परागण की प्रक्रिया आसानी से हम करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है,
मटर के पौधों में कई विपर्यायी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भाई हमने 7 लक्षणों के बारे में देखा हुआ है, अगर नहीं देखे तो अब बुक उठाइए और 7 लक्षण को वहां पर देखेंगे और उसको याद करेंगे। इंपॉर्टेंट है 7 लक्षण को भी आप याद करके रखें ताकि आपको लिखने में पढ़ने में आसानी होगा। तो 7 प्रकार के विपर्यायी लक्षण इस पे दिखाई देते हैं, इसलिए इसका मतलब चुनने का ये कारण है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए इजी है ये भी। समयुग्मजी और विषम युग्मजी, कोई दो अंतर बताइए। ठीक है भाई, दो अंतर हम बता देते हैं। यहाँ पर दो अंतर पूछा गया है और मात्र ये दो नंबर के ही आते हैं, इससे ज्यादा आते भी नहीं है। ठीक है, मैं हालांकि यहाँ 3 लिखी हूँ, लेकिन आपको पेपर में सिर्फ 2 लिखने, जो पूछा वो लिखो, खत्म करो। ठीक, चलिए। यह किसी विशेषक इन ट्रेड के लिए शुद्ध होते, सबसे पहला तो ये है समयुग्मजी, समान युग्मज जो होते हैं शुद्ध होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं, यानी कि किसी भी विशेषक के लिए क्या होंगे, शुद्ध नहीं होते। ठीक है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी समझ आ रहा है ना। जैसे समयुग्मज क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये क्या है, समान युग्मज, और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग अलग है, तो ये कैसे भाई शुद्ध नहीं होंगे। लंबा का भी है, बौना का भी है, तो ये शुद्ध नहीं होते, और ये कैसे दोनों ही शुद्ध कहलाते हैं। समझ आ रहा है ना आपको, समयुग्मजी विषमयुग्मजी। नेक्स्ट क्या है, इनके एलील कैसे है समान, ये दिख रहा है ना, जस्ट अभी उसी की बात करी हूं। ये इनके एलील कैसे है समान है, जबकि इनके एलील कैसे होते हैं असमान होते हैं। यहां पर टी लिखोगे, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं, मतलब इनमें प्रभावी अप्रभावी दोनों ही प्रकार के एल पर जाते हैं, जबकि इसमें दोनों ही कैसे हैं प्रभावी, प्रभावी एलिल्स ही उपस्थित होते हैं, और इसमें प्रभावी अप्रभावी दोनों एलिल्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। भाई ये जब क्रॉस करेंगे, मतलब देखो कैपिटल टी जब हम इसको युग्मक बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा जब हम क्रॉस कराएंगे, लेकिन इनमें क्या होता है, एक जिनकी वंशागति की में दो प्रकार के इसमें युग्मक बन जाते हैं, इसमें दो टाइप के युग्मक बनते हैं और इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनते जाते हैं। तो इतनी चीजें हैं, लिखना है दो, एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। देखो मिलेगा तो आपको बहुत सारा, लेकिन चूंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आते हैं तो आपको 2 ही नंबर के लायक आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्या लिखा है भाई, एक संकर क्रॉस और 2 संकर क्रॉस में कोई 2 अंतर लिखे, तो बहुत इजी है, इसको नहीं भी बताऊंगी तो भी ऐसे लिख डालोगे आप लोग। क्या है एक संकर क्रॉस, क्या होता है, जब एक ही लक्षण को लेकर हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, जब हम एक ही लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब हम 2 लक्षण को लेकर के क्रॉस कराते हैं तब हम उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब एक संकर संकरण जो एक ही लक्षण, मतलब क्या है, मान लो जब मैंने लंबाई की बात, ठीक है, लंबाई एक ही लक्षण है, ठीक, तो लंबाई एक ही लक्षण को जब मैं 7 लेकर क्रॉस कराऊंगी तो मैं बोलूंगी उसको एक संकर संकरण कहते हैं। अब यहां पर लिखा है कि द्विसंकर संकरण, मतलब हो सकता है कि मैं यहां पर लिख दूं उसकी आकृति भी ले लूं और उसका रंग भी ले लूं। ये 2 लक्षण है, ये क्या है लक्षण, ठीक है, और ये पहला लक्षण है और ये उसका दूसरा लक्षण। हो सकता है उसकी आकृति गोल है, झुर्रीदार है, कैसी भी हो सकती है, उसका रंग कैसा है, बैगनी रंग का है, सफेद रंग का है, जैसा भी रंग हो सकता है, गोल पीला हो सकता है, मैं बीज का रंग ले ली हूं मान लो जाए तो गोल है उसका आकार, है ना, और बीज का, जैसे बीज मटर के पौधे का एग्जाम्पल दे रही हूं, जैसे बीज का आकृति कैसे गोल होता है, ठीक है, और उसका जो अप्रभावी क्या होगा, झुर्रीदार होता है, ठीक है। अगर रंग की बात करें, बीज का रंग, तो एक होता है हरा, ठीक है, दूसरे क्या होता है पीला होता है। तो अगर हम 2 लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तब हम उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं, द्विपर्याय लक्षण, है ना, और जब हम एक ही लक्षण को क्रॉस कराते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। तो यहां पर लंबाई, जैसे कैपिटल टी ली थी ना, और स्मॉल टी, ये लंबाई को लेकर चले हैं, लंबा और बौना, और यहां पर 2 लक्षण को लेकर चले हैं, आकृति भी और रंग भी, मतलब बीज की आकृति, बीज का रंग, तो ये क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप की हम बात करेंगे कि भाई इसमें अंतर कभी कभी पूछ देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से आ गया तो आपको क्या लिखना है, यहां पर हम बात करने वाले। तो भाई ये क्या है आपका, जीन प्रारूप, ठीक है, ये क्या है आपका, जीन प्रारूप, ठीक,
तो जीन प्रारूप किसी जीव के जीन संगठन को ही व्यक्त। भाई जीन्स, एक बात बताओ, आप जीन्स को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, आप ना उसको छू नहीं पाओगे। जीन्स को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आकार कैसा, उसका रंग कैसा, आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब बताओ जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में मुझे अंतर बता दो भाई थोड़ा सा। लक्षण को क्या है भाई? आपकी हाइट कितनी है, आपका रंग कौन सा है, कलर कैसा है, तो ये आप देख करके बताओगे कि नहीं बताओ। भाई मेरा रंग कैसा है, मेरी हाइट कितनी है, आप मुझे देखकर बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि मैं दिख रही हूं। ठीक है, तो यही चीज आपको याद रखना है। नहीं, जीन प्रारूप मतलब क्या है? जीन्स का संगठन। ठीक है, तो ये क्या होता है? जीन प्रारूप किसी जीव के जीन्स का संगठन उसी को व्यक्त करता है जो वास्तव उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। देखो, जीन्स ही लक्षण को निर्धारित करता है। आपके आंखों का रंग कैसा होगा, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपके चेहरे का कलर कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जीन्स डिसाइड करेगा। लेकिन आप जीन्स को देख नहीं सकते, याद रखेंगे, लेकिन कलर को निर्धारित कौन करेगा, लक्षण को निर्धारित कौन करेगा, ये आपका जीन्स ही करता है। ठीक है, अब मैं लक्षण प्रारूप की बात करूं तो लक्षण प्रारूप क्या है भाई? प्रत्यक्ष रूप से लक्षण, देखो आप किसी को देख सकते हो, लक्षण को देख सकते हो कि नहीं? आपकी हाइट कितनी आप देख सकते हो, तो ये लक्षण है। मैं आपको देख सकती हूँ, आपके कलर को बता सकती हूँ, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? जैसे देखो, लिखा एग्जांपल, उसकी आकृति कैसी है, मोटा है, पतला, कैसा है वो, गोल है। ठीक है, उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है, जैसा भी है। ठीक है, उसके स्वभाव यानी कि नेचर कैसा है, इन गुणों को व्यक्त जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्धन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, जीन्स में आपको इतना ही समझना है कि जीन्स को आप देख नहीं सकते। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीन्स को ही अभिव्यक्त करेगा, लेकिन लक्षण प्रारूप में क्या होगा? वो अपने पूरे गुण को प्रदर्शित कर देता है। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन के आधार पर बनाया जा सकता है। भाई जैसे मेरे पापा हैं वैसी मैं हूं, मैं उनकी बेटी, मेरा आने वाला संतान। ठीक है, समझ रहे हो? पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब मेरे दादाजी, उनके लक्षण मेरे पापा के में, उनके लक्षण हम, उनके संतान मतलब हम, हमारे संतान कोई और। तो ऐसे ही जीन्स का भी क्या होता है? स्थानांतरण होता चला जाता है। तो जीन्स लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, लक्षण को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है भाई? बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का होता है। भाई जो सामने दिख रहा है, बोलते ना जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिख रहा है भाई, कलर दिख रहा है, कोई लड़की गोरी है तो लड़के लोग क्या करते हैं? गोरी लड़कियों को ज्यादा ध्यान देते हैं ना भाई। उसकी जीन्स को देख करके थोड़ी ना देख रहे हैं कि उसकी जीन्स कैसा है, छोटा है, मोटा है, जैसा भी है, लेकिन उसके कलर को हम और उसकी आकृति को हम देख करके क्या करते हैं? जज करते हैं कि ये लड़की ऐसी है, मतलब ये गोरी है, सुंदर, जो भी है। ठीक है, तो ये क्या, उसका लक्षण जो दिख रहा है बाहर से, जो दिख रहा है रंग रूप जैसा भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये इतने जो टाइप है वो आते हैं दो अंक के प्रश्न में, और दो अंक के प्रश्न के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है कि भाई छोटे छोटे चीज आते हैं दो अंक के प्रश्न में, ज्यादा आपको हवा में नहीं उड़ना है। आगे हम तीन अंक वाले बताएंगे, पांच अंक के बारे में भी हम बात करने वाले। अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप कहाँ जाएंगे? हमारे आपके एप्लीकेशन में जाएंगे, अभिप्सा एप्लीकेशन, आप क्रोम गूगल में भी सर्च करते हो, और आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर के भी वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आने वाले सेशन में हम तीन अंकों की बात करेंगे। तो धन्यवाद,